आप भी 12th क्लास के बाद डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, डिफेंस में आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप पैरामिलिट्रीज होती हैं जो कि अलग अलग फोर्स हैं जो कि गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं, उन सभी में से कोई भी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि भर्तियाँ कब आती हैं, किस पोस्ट के लिए आती हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, अगर आपकी हाइट कम है या फिर हाइट वगैरह एज वगैरह सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी फोर्स के बारे में आपको ऐसा नहीं रहेगा कि जानकारी नहीं रहेगी। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स जो हैं उनका मेन काम क्या है। सबसे पहले आप मेन काम समझ लीजिए क्या है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे जो इंडियन आर्मी है वो तो आपकी मिलिटेंसी एरिया में ज़्यादातर करके ड्यूटियाँ देती है, आपातकालीन स्थिति में ही ड्यूटियाँ ज़्यादातर लगाई जाती हैं। लेकिन जो जैसे आप मान लीजिए भारत पाकिस्तान की सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमा पर इस समय BSF तैनात हुई है। BSF भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और आपका RTBP है, भारत चीन की जो बॉर्डर है उसको देखता है, और साथ ही साथ असम राइफल्स असम पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी बॉर्डर एरियाज को कवर करता है। इस तरीके के कई सारे फोर्स आपकी बनाई गई हैं जो कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल होती हैं जो कि गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं। इसमें अगर सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन पोस्टों पर भर्ती आती है, उससे पहले एक चर्चा करेंगे। जैसे पैरामिलिट्री में जो फोर्स हैं, CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल्स है, और RTBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, SSB है, सशस्त्र सीमा बल, CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये सारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं। इनका जो काम है, अगर काम देखा जाए तो CRPF का जो काम है वो आपका जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज में भी ये सपोर्ट करते हैं। ये एक तरीके से मान लीजिए गृह विभाग में रहते हैं, मतलब भारत के कोने कोने में रहते हैं, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, और साथ साथ ही जरूरत पड़ने पर आपका बॉर्डर एरियाज में भी ये ड्यूटियाँ देने जाते हैं। उसके बाद आपका BSF है, ठीक है। BSF का जो काम है मैं बता दिया, भारत चीन सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, ये सारा कवर करते हैं। असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बॉर्डर की निगरानी करता है। RTBP आपका तिब्बतीय क्षेत्रों में या फिर कह लें हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ भी भारत चीन की सीमा है वहाँ पर कवर करता है। SSB सशस्त्र सीमा बल उत्तर प्रदेश और बिहार से जो सटे नेपाल के बॉर्डर हैं वहाँ पर ये ड्यूटी करता है। CISF होता है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे आपका मान लीजिए ताजमहल वगैरह हो गया या फिर एयरपोर्ट हो गए, मतलब जो सरकारी संपत्ति है, जो भारत सरकार की संपत्ति है या फिर धरोहर है, उन सभी की निगरानी करना CISF की जिम्मेदारी होती है। जहां भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पर भी इनकी यूनिट बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फोर्स हो गई। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल आने वाला है साथियों कि वो किन किन पोस्टों पर भर्ती होती है। सारी पोस्टें आती हैं जिनके थ्रू आप इसमें भर्ती हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस पोस्ट होती है या फिर कह लें कि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाली होती है वो होती है GD की। सभी फोर्सों में GD की सबसे ज़्यादा वैकेंसी लगभग हर साल आती है। अगर आप 10th क्लास पास हैं और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप किसी भी राज्य से हैं ये वैकेंसी देख सकते हैं। जो GD की वैकेंसी आती है लगभग सभी राज्यों की अलग अलग वैकेंसी होती है, अलग अलग कट ऑफ वगैरह जारी की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों GD की जो वैकेंसी है वो SSC के थ्रू होता है, कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू ये वैकेंसियाँ कंडक्ट करवाई जाती हैं। उसके बाद साथियों जो इसमें पोस्ट निकाली जाती है, जैसे बहुत सारी पोस्ट निकाली जाती हैं, अगर हम CISF में बात करेंगे तो CISF में ड्राइवर की पोस्ट निकाली जाती है, फायरमैन की निकाली जाती है, मिनिस्ट्रियल की निकाली जाती है, ट्रेडमैन की निकाली जाती है, इस तरीके से काफ़ी सारी पोस्ट निकाली जाती हैं। इसी तरीके से सभी पैरामिलिट्रियों में ट्रेडमैन की, मिनिस्ट्रियल की, स्टेनोग्राफर वगैरह की, ये सारी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। BSF में आप जाते हैं तो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक वगैरह की वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। असम राइफल्स में जाते हैं तो टेक्निकल और ट्रेडमैन की काफ़ी सारी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं अलग अलग पोस्टों के लिए। RTBP में जाते हैं तो एनिमल ट्रांसपोर्ट की निकाली जाती है, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की निकाली जाती है, इस तरीके से काफ़ी सारे पद अलग अलग निकाले जाते हैं। मैं एक सीरीज चला दूंगा सभी फोर्सों में कि इस फोर्स में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है या फिर कितनी निकलती है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ बता दूंगा। एक ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यही वीडियो काफ़ी ज़्यादा
लंबा हो जाएगा। बट आप लोग लास्ट तक देखिएगा, निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारी जानकारियां मिलेंगी। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरीके की भर्तियों की तैयारी करते हैं तो टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी इन सारी कोर्सों से रिलेटेड। अब साथियों बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि किन किन पोस्टों पर भर्ती आती है, उसके बाद साथियों हम बात करते हैं जो अगला पॉइंट है हमारा उम्र सीमा। उम्र सीमा एसएससी जीडी का आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा किसी भी साल, ठीक है, वही होता है 18 से 23 साल, उसमें छूट दी जाती है, 25 साल हो जाता है, ओबीसी एससी एसटी की भी छूट दी जाती है अलग से। योग्यता आपका 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, सारा कुछ अलग अलग मांगा जाता है आईटीआई जैसे, जिन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है लगभग लगभग सभी की क्वालिफिकेशन अलग है। अगर आप जीडी में भर्ती देखते हैं तो आपकी जो योग्यता है वो सिर्फ 10th क्लास मांगी जाती है, लेकिन जैसे जैसे अपर जाएंगे वैसे वैसे आपकी योग्यता भी बढ़ती जाएगी। जीडी ट्रेडमैन की योग्यता 10वीं पास ही होती है, ड्राइवर की भी। अब लंबाई मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 165 आपकी क्लर्कियल पोस्ट के लिए होती है, बाकी सारी की 170-169 इस तरीके से हाइट होती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। लड़कियों की हाइट थोड़ा कम होती है, 152 उनकी हाइट मांगी जाती है, 168 तक भी मांगी जाती है अलग अलग पोस्ट वाइज है। ड्यूटी क्या क्या और कहाँ कहाँ होती है मैं बता चुका हूँ, सभी फोर्सों की ड्यूटियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। सैलरी किसमें सबसे ज़्यादा होती है, ये सवाल भी आप लोगों के मन में जरूर आता होगा। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं, 21,700 अगर सिपाही लेवल से आप इन सभी फोर्सों में भर्ती होते हैं तो 21,700 इसका पे लेवल है। अब सैलरी डिफरेंट है, सैलरी डिफरेंट इसलिए है कि वर्क अलग अलग है, किसी में वर्क लोड ज़्यादा है किसी में वर्क लोड कम है, कोई रिस्क एरिया में रहता है कोई रिस्क एरिया में नहीं रहता। अभी जैसे CISF वगैरह हो गए, ठीक है, CISF का मान लीजिए काफ़ी अच्छी सिटी मिल गई तो वहाँ पर उनको DA वगैरह HRA वगैरह अच्छा मिल जाता है तो उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। अब आप ITBP में हैं और आप किसी दुर्गम इलाकों में पोस्टेड हैं तो निश्चित ही आपका रिस्क अलाउंस ज़्यादा होगा तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि मिनिमम सैलरी कितनी आ जाएगी तो ये मान के चलेगा 35-36 हज़ार आराम से आपकी सैलरी आ जाती है। बाकी मैं बता रहा हूँ पोस्ट जैसे BSF है, बॉर्डर एरिया में है, रिस्क अलाउंस ज़्यादा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा बन जाती है, 40-45 तक भी पहुँच जाती है। आपकी पोस्टिंग और आपकी ये ड्यूटियाँ कहाँ लगाई जा रही हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे चुनाव आ गया तो चुनाव में अंदर ड्यूटियाँ होती हैं, और हाँ एक एक ड्यूटी ये भी होती है इन सभी फोर्सों की, जब भी चुनाव आते हैं ये चुनाव में भारत के प्रत्येक राज्यों में जाते हैं चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए भी, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, चाहे BSF हो गया चाहे ये जरूरी नहीं कि BSF बॉर्डर पर ही रहेगी, ये जरूरी नहीं कि SSB बॉर्डर पर भी रहेगी, ये सारी कभी भी आपका ये समझिए कि गृह मंत्रालय के अधीन जो भी ड्यूटी की मांग आती है उसमें ये सारी ड्यूटियां संपादित करते हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।